हर कंपनी की गाड़ियाँ अलग होती हैं, उनकी शेप अलग होती है और उनकी लाइटें भी अलग अलग डिजाइन की होती हैं। लेकिन लाइटों का रंग हमेशा एक जैसा ही होता है। तो क्यों हमेशा टेल और ब्रेक लाइट लाल होती है, ब्लिंकर्स एम्बर होते हैं और रिवर्स लाइट सफेद होती है, जानेंगे इस वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स, फोटो लवर्स में आपका स्वागत है। सभी गाड़ियों में एक ही रंग की लाइटें होने का कारण मोटर व्हीकल एक्ट है, जिसमें हर लाइट का रंग बताया गया है। इसलिए इन रंगों के अलावा किसी और लाइट का इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि गाड़ियों के लिए इन्हीं रंगों की लाइटें ही क्यों चुनी गई? तो चलिए अब इसके पीछे का कारण जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाल रंग की, जो टेल और ब्रेक लाइट के तौर पर इस्तेमाल होता है। क्योंकि लाल रंग की वेवलेंथ बाकी सभी रंगों से लंबी होती है, इसलिए लाल रंग को दूसरे रंगों के मुकाबले ज्यादा दूर तक देखा जा सकता है। साथ ही धुंध, बारिश और धूल मिट्टी जैसे कुदरती हालातों में भी ये रंग बाकी रंगों के मुकाबले ज्यादा अच्छे से देखा जा सकता है। इसीलिए अंधेरे में जलने वाली टेल लाइट और ब्रेक लगने पर जलने वाली लाइट को लाल रंग दिया जाता है, ताकि आगे जाता वाहन आसानी से दिखाई दे और ब्रेक लगने पर पिछले वाहन को आसानी से पता चल सके। इसके बाद आते हैं ब्लिंकर्स, जिन्हें हम टर्निंग इंडिकेटर भी कहते हैं। यह भी ब्रेक लाइट जितने ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि मुड़ने के लिए लगाया इंडिकेटर अगर दिखाई न दे तो किसी बड़े हादसे का खतरा रहता है। इसीलिए ब्लिंकर्स के लिए कोई ऐसा रंग चाहिए जो लाल रंग की तरह ही दूर से दिखाई भी देता हो और साथ ही वो लाल रंग से बिल्कुल अलग भी हो, ताकि दूर से ही इसकी पहचान हो सके। वेवलेंथ के मामले में लाल रंग जहां पहले नंबर पर आता है, तो वहीं नारंगी और पीला रंग दूसरे और तीसरे नंबर पर आते हैं। इसी वजह से ब्लिंकर्स एम्बर कलर के बनाए जाते हैं, जो नारंगी और पीले रंग का सुमेल है। पहचानने के मामले में जहां ये लाल रंग से बिल्कुल अलग दिखाई देता है, तो वहीं वेवलेंथ में ये लाल रंग से बस थोड़ा ही कम होता है। आम तौर पर हम इस रंग को पीला ही कहते हैं, लेकिन असल में इस रंग का नाम एम्बर होता है। और ब्लिंकर्स के अलावा ट्रैफिक लाइट्स में भी हमें ये देखने को मिलता है। अब अंत में बात रिवर्स लाइट की करते हैं, जो सफेद होती है, और वो इसलिए ताकि अंधेरे में गाड़ी रिवर्स करते समय पीछे कुछ रोशनी हो सके। साथ ही गाड़ी के पीछे खड़े या फिर पीछे आने वाले किसी इंसान या वाहन को पता चल सके कि गाड़ी रुकी हुई नहीं है, बल्कि रिवर्स हो रही है। सिर्फ रिवर्स इंडिकेशन के लिए तो किसी और रंग का भी इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन अंधेरे में रोशनी देने के लिए सफेद लाइट से अच्छा और कोई रंग हो ही नहीं सकता, इसलिए रिवर्स लाइट सफेद होती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए फोटो लवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।